झंडा हाथ के निशान। अपना नाम बताओ पहले। लक्ष्य। मैं संजीव जाटव साहिबाद विधानसभा कोषाध्यक्ष और माननीय बहन जी की 65वें जन्मदिन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को उसकी बधाई देता हूं। मेरा नाम शांति गौतम है। मैं बालपुरा पक्के तालाब के रहने वाली हूं। बहन जी का जन्मदिन है इसलिए इकट्ठा हुए हैं और हमें शौक गर्व है बहन जी पे के बहन जी कम से कम 1000 साल जी है, इसलिए हम बहन जी का हर साल जन्मदिन मनाते रहे। बहुत अच्छे तरीका से देख दी, मुझे 27 साल बहन जी की पार्टी में हो गए हैं और बहन जी की पार्टी से मैंने अलग से लड़ा है। बालूपुरा पक्के तालाब से मैं वहाँ की पार्षद रही हूँ। हमारे साथ आज सभी BBF के वॉलंटियर्स हैं, आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं इनको बिना पैसों के काम करने में क्या मजा आता है। मेरा नाम धीर सिंह गौतम है और मैं जिला संयोजक BBF और मैं बहन जी के सम्मान में लगभग 20 वर्ष से जो है अपने वॉलंटियर फोर्स को जो है फॉलो कर रहा हूँ और सम्मान के लिए मैं अपने साथियों के साथ आज यहाँ गाजीबाद हिंदी भवन में उपस्थित हुआ हूँ और सम्मान की लड़ाई है हमारी पार्टी की। हमारी पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के लिए हमारी पार्टी जान जाती है। आप कुछ बोलेंगे? जी हम, हमारा नाम जोनी है सर। जोनी हमारा सर। नाम बताओ। बताओ। मनीष कुमार। मनीष कुमार है BBF। बोल रहा है जो बोल रहा हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है BBF विधानसभा संयोजक। हमें करीब 10 साल हो गए थे पार्टी में काम करते हुए। बता अच्छा लगा, बड़ा सुकून होता है हमें काम करने में। मैं तिबड़े से धर्मपाल बोल रहा हूँ। मैं 1984 से इस पार्टी में ज्वाइन कर रखी है, जब से मैं इनके साथ हूँ। बिना पैसों के आपको काम करना पड़ता है, आपको यहाँ पे क्या किस कैसी खुशी होती है यहाँ पे काम? हमें बहुत खुशी होती है, बहन जी की पार्टी में रहते हैं। काशीराम जी की, काशीराम ने इसको जीवन दिया है, इसलिए हम इसके। मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी से आया हूँ मैं, और ये बहन जी के जन्मदिन के लिए खासकर, और हम कट्टर BSP के हैं, अम्बेडकरवादी हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी हम। BSP के अलावा किसी और को नहीं चाहते, क्यों? जितना बात सुनिए, हमें जो पहचान मिली है ना, हमें BSP से पहचान मिली है, बाकी अदर किसी से हमें पहचान नहीं मिली। और बाबा साहब ना होते ना, अब काशीराम जी ना होते तो हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होने देता कोई भी, जो हकीकत है। मेरा नाम प्रकाश चंद सागर, खोड़ा कॉलोनी से आया हूँ बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए। और बहन जी को जन्मदिन मनाने के लिए ही नहीं, हम सब एकत्रित हुए हैं 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है, उसके लिए गाजियाबाद ज़िले के हिंदी भवन में एकत्र जनसमूह, पूरा हॉल भरा हुआ है और मेरे चारों तरफ सारे साथी खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहन जी हमारे देश की कितनी लोकप्रिय बन चुकी हैं और अब आने वाले समय में बहन जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश में जितनी उठा पटक चल रही है, समाज के अंदर कितने जुर्म जास्ती हो रही हैं, और अब आने वाला समय हमारा समाज समझ चुका है और आने वाले समय में बहन जी को ये वापसी का मौका मिल रहा है। और मौका ही नहीं, बहन जी को भारत की मजबूरी भी है उनसे बड़ा और उनसे अच्छा जो कि सारे समाज को लेके चल सके ऐसा कोई नेता है भी नहीं। यहाँ पर जितना जातिवाद, जितना धर्मवाद और आपस में लड़ाई झगड़े कराए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो यहाँ का अन्नदाता किसान मज़दूर लोग हैं उनको भी नए नए कानूनों में फंसा कर आगे उनके परिवारों को बेरोजगार बनाने की नीति चल रही है। तो मैं आज जन्मदिन के मौके पर आप सभी को बहन जी का जन्मदिन
की मुबारकबाद देते हुए आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में एक डेढ़ साल रहता है, आप लोग सब तैयारी कर लें और इस तैयारी के साथ समाज में उनका मैसेज सारे समाज में दें कि हमें बहन जी के अलावा इस वक्त कोई नेता नहीं है और उनको हमें पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाना है, इस देश की शान बढ़ानी है और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर बहन जी को हमें इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाना होगा, क्योंकि हमारा काम केवल चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं चलेगा साथियों, हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। मेरा नाम राजपाल सिंह है, मैं राजेंद्र नगर साहिबाबाद में रहता हूँ। तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का न्याय दिया है सभी लोगों को, वो एक सराहनीय है। बाबा साहब जी ने, डॉक्टर साहब ने तो न्याय व्यवस्था का एक सिद्धांत मूल तंत्र बनाया ही था, बाकी मायावती जी ने जो समाज में लागू किया है वो अग्रणी है और उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देश में प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी बनाना है और समाज को ठीक करना है। जो मैं महावीर आर्य, 7 बार विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर, प्रभारी रहा हूँ, चुनाव कार्यालय प्रभारी रहा हूँ और 24 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। मैं आज के बारे में बोलूँगा कि आज का जो जन्मदिन है एक मुख्य प्रोग्राम है जिले का और एक मैसेज देना चाहते हैं बहन जी के जन्मदिन के माध्यम से। और मैं साथियों के सब ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो सीएम बनेगी ना इस प्रदेश की, तो बहन जी बनेगी और कोई सीएम नहीं बन रहा। और सिर्फ अगर आज को नेता इसमें हिंदुस्तान में वो सिर्फ बहन जी हैं और इस जनता देश विदेश मान चुका है कि मायावती से बड़ा कोई नेता नहीं है, क्योंकि वो 4 बार सीएम रह गए, उन्होंने लाइन ऑर्डर चला के एक मैसेज दे दिया पूरे देश को कि राज ऐसे चलता है। और आज स्थिति ऐसी है कि इस देश के अंदर अगर संविधान की रक्षा करनी है और सर्व समाज की रक्षा करनी है तो बहन जी का आना बहुत ज़रूरी है, बहुजन समाज पार्टी का राज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहन जी ने पहले अपना जो 4 बार जो मुख्यमंत्री बनी है और उन्होंने अपना जो राज कायम किया है उसमें सर्व समाज की वर्तमान परिस्थिति में ये है जिस तरह से बीजेपी का जो चक्र चल रहा है ना इस देश के अंदर, सबको मतलब बेकार करना, रोजगार सब खत्म कर दिए, संविधान खत्म कर दिया है, कृषि कानून है वो इतना बेकार है, सबको जो किसान लोग हैं उनको मतलब भुखमरी की स्थिति पे उनको ला कर खड़ा कर दिया, इसलिए बहन जी का आना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अमित कुमार जाटव है, मैं खोड़ा से नगर अध्यक्ष हूँ और आज माननीय बहन जी का 65वां जन्मदिन, जिसे हम खोड़ा के बहुत सारे युवा शामिल हुए हैं, पदाधिकारी शामिल हुए हैं और आदरणीय बहन जी के 65वें जन्मदिन पर आज हम एकत्रित होकर के आने वाले 2022 में आह्वान करने आए हैं कि आने वाली जो सरकार है वो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और जो जिस तरीके से जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल फैला हुआ है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मेरा नाम राजू सिंह है और सिद्धार्थ बिहार में रहने वाला हूँ। आज हमारी बहन जी कुमार मायावती जी का जन्मदिन है, 65वां जन्मदिन है, जैसे कि तुम्हें पता है बड़े धूमधाम से बनाते हैं, लेकिन अब का हमारी बहन जी का ये आदेश है कि कोई भी केक ना काटें, बड़े प्यार से बनावें। सर उन्होंने आदेश क्यों दिया है? आदेश इसलिए दिया, तुम्हें पता है बड़े किसान लोग वहाँ बॉर्डर पर परेशान है, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, तो बहन जी ने ये बोला जितना भी कर सको अपना पुण्य करो, जो भी करना गरीबों में पुण्य करो। अभी चाहिए ये लोग पूनम का पूछा उनसे।